स्वागत है आप सबका। सफर को जारी रखते हुए हम पहुंच चुके हैं ग्राम बगवान जो पड़ता है टिहरी गढ़वाल में, उत्तराखंड में। देवप्रयाग से 17 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह स्थित है और अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। आज की वीडियो में आपको चोपरिया लक्ष्मोली से ग्राम बगवान के आगे जो फेमस जीरो पॉइंट है वहां तक का राष्ट्रीय राजमार्ग की झलक देखने को मिलेगी। 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है ट्रैवलिंग करने में, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको यहाँ रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं फरवरी 2020 से। हमने फरवरी में ट्रैवलिंग की थी और आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड की थी। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये बगवान मार्केट से आगे की तरफ जो जीरो पॉइंट है, ये फेमस जीरो पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंटों की खबर आते रहती है, आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं रोड कितनी पतली है। नीचे आपकी अलकनंदा नदी बहती है और ऊपर आपकी खड़ी पैनी चट्टाने हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पर रोड की कटिंग का कार्य बहुत जरूरी था। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये फरवरी 2020 का सिनारियो है, उस समय यहाँ पर रोड की हालत ऐसी थी। बगवान बाजार से पहले भी रोड काफी पतली थी और बीच मार्केट से होते हुए नेशनल हाईवे आगे की तरफ बढ़ता है। आपको बाजार की झलक अभी वीडियो में। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगस्त 2020 की। हमने परसों ही ट्रैवलिंग की और आप सबके लिए लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्ड करी। मैं आपको वही वीडियो में वही रूट दिखा रहा हूं जो मैंने आपको फरवरी वाले सेक्शन में दिखाया। ये सेम वही बगवान बाजार से पहले वाला एरिया है जहां पे अप कटिंग का कार्य और चौड़ीकरण का कार्य तीर गति से किया जा रहा है। आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये 2020 का करंट सिनारियो है। रोड नेशनल हाईवे बीच बाजार से होते हुए जीरो पॉइंट की तरफ जाती है। आप वीडियो में खुद ही कंपेयर कर सकते हैं पहले रोड कैसे थी और अब रोड कैसी है, और कटिंग का कार्य चौड़ीकरण का कार्य तो तीर गति से चल ही रहा है। दोस्तों पहाड़ी सफर में जहां जहां जीरो बैंड होते हैं, पैने बैंड होते हैं, वहां वहां हमेशा एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, रिस्क बना रहता है। उनमें से एक ये है। यहां पर भी जब कटिंग हो जाएगी, रोड चौड़ी हो जाएगी, तो एक्सीडेंट के खतरे खुद ही अपना आप ही कम हो जाएंगे। बरसात के टाइम पर इन जगहों पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे मैसेजेस आए थे आप सबके कि बगवान वाला एरिया का रूट है वो देखना है, इसलिए आज की वीडियो बनाई गई है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप
हमें 1.5 घंटा सर, हमें 1.5 घंटा क्यों सर? जाम जाम बहुत टाइम। अरे ये जरूरी है, ये वाला हिस्सा ना यहाँ सबसे ज़्यादा बहुत ऊपर इस जगह, इस जगह मैं एकदम 5 महीने बाद आ रहा हूँ, मेरे को बता दें एकदम कटान लग गया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको दोस्तों लक्ष्मोली से जीरो पॉइंट तक का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी झलक दिखाई जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।